हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी दोस्तों प्राचीन भारत की लास्ट वीडियो है, क्योंकि जितना भी प्राचीन भारत में हो सकता था सभी टॉपिक को हमने डीप एंड डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन दोस्तों जो हम सीमावर्ती राजवंश को देख रहे थे, उन्हीं सीमावर्ती राजवंश में, सुदूर सीमावर्ती राजवंश में थोड़े से इम्पोर्टेंट दो तीन राजवंश हैं जिसके बारे में दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम दोस्तों याद कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों प्राचीन भारत में कुछ और हमें पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा हम सोर्सेस से पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न होगी। मैं दोस्तों आपको जितना पढ़ा रहा हूँ यकीन मानिए दोस्तों मोर देन आपके लिए सफिशियंट है, इसके ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही आपको प्राचीन भारत में या हिस्ट्री में आपको PhD करनी है, कि हिस्ट्री से ही सारे प्रश्न बनने वाले हैं। आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट वगैरह भी देखना है, करंट अफेयर्स देखना है, और भी दोस्तों बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों हर विषय को उतना ही पढ़ते चलेंगे जितना हम आसानी से याद रख सकें, कन्फ्यूज़न ना रहे हमें और आसानी से हम प्रश्नों को बना पाएं। तो चलिए दोस्तों सुदूर सीमावर्तीय क्षेत्रों में जैसे कि तीन राजवंश हैं जो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जैसे कि एक कलचुरिया चेदी राजवंश है, एक सिसोदिया वंश है, और अगला है एक गांधार प्रदेश का या काबुल घाटी का कहें हम हिंदू शाही वंश। तो ज़्यादा टाइम को दोस्तों वेस्ट ना करते हैं, चलिए देखते हैं। कलचुरिया चेदी वंश, कलचुरिया चेदी वंश के संस्थापक दोस्तों थे कोक्कर। कौन थे दोस्तों? कोक्कर, जो कि कलचुरिया चेदी वंश के संस्थापक थे। उन्होंने जो राजधानी बनाया था वह बनाया था दोस्तों त्रिपुरी को। इन राजवंशों दोस्तों ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक और जो पूछे जा सकते हैं अब तक उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिखा है, क्योंकि दोस्तों यह प्राचीन भारत का लास्ट वीडियो है और मैंने सोचा आपके लिए कुछ छोड़ा ना जाए, इसलिए आपको मैंने बता दिया। कलचुरिया चेदी वंश जो कि दोस्तों संस्थापक कोक्कल थे और राजधानी त्रिपुरी बनाया गया था। अगर SSC वगैरह में और स्टेट्स के जितने भी PCS वगैरह के एग्जाम होते हैं यही प्रश्न दोस्तों इस वंश से अब तक पूछा गया है। और एक और जो प्रश्न आगे पूछा गया है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कलचुरिया चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? कोक्कल थे। राजधानी किसे बनाया था? तो त्रिपुरी को राजधानी बनाया था। इस वंश के एक प्रमुख शासक थे जिनका नाम था गंगेय देव। क्या नाम था? गंगेय देव। और गंगेय देव ने दोस्तों एक उपाधि धारण की थी, किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगर दोस्तों बात करते हैं प्राचीन भारत में जिन भी शासकों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई है, वे शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और विद्वान भी थे, इसीलिए विक्रमादित्य की उपाधि को दोस्तों शक्तिशाली माना जाता था। विक्रमादित्य की उपाधि गंगेय देव ने धारण की थी। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है दोस्तों कि जब पूर्व मध्य काल में जबकि जैसे कि हम देखते हैं तुर्की आक्रमण हो रहे थे उस टाइम पे, जब भारत में पूर्व मध्य काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन बंद हो जाता है, तो पुनः सोने के सिक्कों का जो प्रचलन करवाया जाता है वह दोस्तों कलचुरिया चेदी वंश के शासकों के द्वारा करवाया जाता है, और जिसमें गंगेय देव के द्वारा ही करवाया जाता है। कि पूर्व मध्य काल में सोने के सिक्कों के खत्म हो जाने के बाद पुनः किसने प्रारंभ करवाया था? कलचुरिया चेदी वंश के शासकों ने, जिसमें गंगेय देव के द्वारा करवाया गया था। यही पॉइंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोस्तों कई बार पूछा गया है। इसके बाद में अंतिम शासक आते हैं जिनका नाम है कर्णदेव, और जिन्होंने एक कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। यह शायद हरियाणा PCS एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको लिखाया है। और ज़्यादातर इनसे ही जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपको कन्फ्यूजन ना रहे और आपको याद रहे, और कोई भी दोस्तों पॉइंट जो पूछा जाए वो हमें याद हो, इसलिए मैंने आपको इन राजवंशों को बताया है। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप दो चार पॉइंट याद रखेंगे, क्या पता इन्हीं से प्रश्न पूछा जाए और हमारा पेपर में एक प्रश्न सही हो जाए। कर्णदेव जिन्होंने कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला जो हमारा वंश है वह है दोस्तों सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के जो शासक थे अपने को दोस्तों सूर्यवंशी कहते थे। क्या दोस्तों? कहते थे कि सूर्यवंशी कहते थे। यह भी दोस्तों SSC वगैरह में और स्टेट PCS में कई बार पूछा गया है कि किस वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? सूर्यवंशी और सिसोदिया, थोड़ा सा आप नाम को मैच कर लेंगे तो यकीनन पेपर में बना पाएंगे। चलिए दोस्तों इससे पहले हम जो कलचुरिया चेदी वंश पढ़ा है इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि हम याद कर पाएं। कलचुरिया चेदी वंश के संस्थापक थे दोस्तों कोक्कल, त्रिपुरी को जिन्होंने राजधानी बनाया था। इसके बाद में अगले शासक आते हैं गंगेदेव, जिन्होंने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और पूर्व मध्य काल में जब सिक्कों का, सोने के सिक्कों का प्रचलन बंद हो जाता है, तो उन्हें प्रचलन में पुनः किसने लाया था? गंगेय देव ने लाया था।
अंतिम शासक थे कर्णदेव, जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में हम दोस्तों देख रहे हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के जो शासक थे वह अपने को दोस्तों क्या कहते थे, सूर्यवंशी कहते थे। जिन्होंने राजधानी जो बनाया था वह चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। कैसे दोस्तों? सिसोदिया वंश के शासकों ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। इसके समय में दोस्तों यही दो महत्वपूर्ण शासक है वंश के, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि एक प्रश्न बनता है राणा कुंभा से, खासकर अगर बात करते हैं हम आर्यस में और राजस्थान के जितने भी स्टेट्स के एग्जाम होते हैं उनमें यह प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया जाता है। अगर दोस्तों आप आर्यस का या राजस्थान के किसी भी स्टेट एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो यकीन मानिए यह प्रश्न दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था? किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगले शासक आ जाते हैं दोस्तों राणा सांगा। इनके बारे में दोस्तों याद रखना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि एक हुआ था खतौली का युद्ध जो कि काफी महत्वपूर्ण है और आपको पूछा जाता है खतौली का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो दोस्तों 1518 में, इसके 1518 में एक हुआ था दोस्तों खतौली का युद्ध, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। खतौली का युद्ध यह दोस्तों इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य हुआ था खतौली का युद्ध 1518 में। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने क्या किया था दोस्तों? हरा दिया था। याद रखेंगे कि 1518 में एक खतौली का युद्ध हुआ था जो कि इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था जो कि यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से देखते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के जो शासक थे अपने को सूर्यवंशी कहते थे। राजधानी इन्होंने चित्तौड़ को बनाया था। एक शासक है इनमें राणा कुंभा और राणा सांगा। राणा कुंभा जो कि चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं और राणा सांगा जो कि दोस्तों खतौली के युद्ध 1518 में इब्राहिम लोधी को पराजित करते हैं। अगला शासक दोस्तों जो वंश आ जाता है वह है दोस्तों अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में। अगर हम बात करते हैं काबुल घाटी में, विशेषकर कहाँ पे दोस्तों? काबुल घाटी में गांधार वाले क्षेत्रों में। आप यकीनन दोस्तों अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या जियोग्राफी पढ़ रहे हैं आपके पास वर्ल्ड का और भारत का मैप जरूर होना चाहिए, और आप जिस भी स्टेट से हैं उसका मैप आप जरूर रखिए। जरूरी नहीं है आप ज़्यादा बड़े लें, केवल आप जो 10-10, 15-15 रुपए के मिलते हैं छोटे ही मैप ले लें, लेकिन दोस्तों आपके पास होने चाहिए। मैपिंग में आपको बहुत मदद करेगा और जो लोकेशन से पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं यकीनन आप उन्हें बना पाएंगे। गांधार और काबुल घाटी, जो दोस्तों काबुल घाटी है गांधार वाले क्षेत्रों में अवस्थित था एक दोस्तों कौन सा? हिंदू शाही वंश। इसकी स्थापना किसने की थी और क्यों की थी सभी को बात हम जानते हैं। काबुल घाटी में एक अवस्था था दोस्तों तुर्की शाही वंश, क्योंकि उस टाइम पे हम देखते हैं कि यामिनी या फिर गजनी जो आक्रमण होते हैं उसी टाइम पे दोस्तों बात है जब दोस्तों काबुल घाटी में अवस्थित था एक तुर्की शाही वंश। तुर्की शाही वंश का एक शासक था जिसका नाम था लगर्तुमाल। लगर्तुमाल का एक मंत्री था जिसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था? कल्लर। कल्लर के विषय में अगर हम जानकारी बात करते हैं दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्लर की जानकारी है किस पुस्तक से होती है, तो राज तड़ंगड़ी से होती है, कल्हड़ द्वारा लिखित। किसके द्वारा दोस्तों? कल्हड़, याद रखेंगे कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक राज तड़ंगड़ी, जिसमें कल्लर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। हिंदू शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो कल्लर था, जिसकी जानकारी राज तड़ंगड़ी से प्राप्त होती है, जिसके रचयिता कल्हड़ है दोस्तों। और यह किसका मंत्री था? लगर्तुमाल का था। लगर्तुमाल किस वंश का शासक था? तो तुर्की शाही वंश का शासक था। लगर्तुमाल को पराजित कर इसके मंत्री कल्लर ने हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी काबुल घाटी या गांधार वाले क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो हिंदू शाही वंश की जो राजधानी बनाया था वह बनाया था दोस्तों उदभांडपुर को। किसको बनाया था? उदभांडपुर को राजधानी बनाया था। इसके बाद में जो यह इसका एक शासक है प्रमुख, जिसका नाम है जयपाल। जयपाल ने गजनी या फिर यामिनी वंश पर आक्रमण किया था। वही दोस्तों गजनी वंश है जिसके महमूद गजनबी के बारे में हम पढ़ते हैं, वही है गजनी वंश है। गजनी वंश या यमनी वंश पर आक्रमण किया, हालांकि यह गजनी वंश के द्वारा पराजित किया गया था। इसके बाद में दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हिंदू शाही वंश से पूछा जाता है, यही दो पॉइंट है जो आपसे पूछे गए हैं अब तक और पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन पॉइंटों को रटने से ज्यादा जो बेहतर है, और मैं जो विश्वास करता हूं कि आपको रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि अगर आपको इतनी हिस्ट्री पता ना होती तो इन पॉइंटों को रटने से कोई फायदा नहीं होता। आपको पता चला कि तुर्की शाही वंश कहाँ पर था, इसके बाद में हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, कल्लर ने की थी। इसके बाद में हमने देखा जयपाल जिसने गजनी या यामनीय वंश पर आक्रमण किया था। अब वो प्रश्न देखते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत में भारत का प्रथम हिंदू राजवंश था। यह याद रखेंगे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत में भारत का प्रथम जो हिंदू राजवंश था वह दोस्तों हिंदू शाही वंश था। कौन सा दोस्तों? हिंदू शाही वंश था, जिसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। और प्रथम राजवंश जिसने मुस्लिम आक्रमण का सामना किया, वह दोस्तों हिंदू शाही वंश था। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, गांधार प्रदेश या काबुल घाटी में अवस्थित था दोस्तों कौन सा? तुर्की शाही वंश। ठीक है दोस्तों, इसके शासक थे जिनका नाम था लगर्तुमाल, इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था कल्लर। और कल्लर के विषय में जानकारी हमें राज तरंगणी से प्राप्त होती है जो कि कल्लहड़ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने राजधानी है हिंदू शाही वंश के संस्थापक हैं और राजधानी उद्भांडपुर को बनाया था। और जयपाल जिन्होंने गजनी या यामनीय वंश पर भी आक्रमण किया था लेकिन दोस्तों पराजित हुए थे। दो पॉइंट महत्वपूर्ण है और पूछे गए और कई बार पूछे जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में भारत का प्रथम हिंदू राजवंश कौन सा था? तो वह दोस्तों हिंदू शाही वंश था। और हिंदू शाही वंश पहला वंश था जिसने मुस्लिम आक्रमण का सामना किया था। तो यह रही दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर दोस्तों पसंद आती है तो आप अपने प्रिय मित्र को, जैसे कि हमारी मुहिम यही रहती है कि आप कम से कम एक प्रिय मित्र को, आप हमारे लिए अगर पग मोर फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने प्रिय मित्र को, कम से कम एक प्रिय मित्र को दोस्तों पंख मोर फैमिली के साथ जरूर जोड़िए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से बढ़ सके और एक विस्तृत फैमिली ग्रुप में विस्तृत हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।